नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स प्लिन टू पैरामाउंट बुक से। अगर आपने प्लिन टू पैरामाउंट बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे ट्रिक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के पहले उसे देख लें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, आज हम याद करेंगे सिनोनिम्स, वो भी निमोनिक तरीके से। जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मैंने प्लिन टू पैरामाउंट बुक से लिए हैं, तो इसे हम याद करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला वर्ड है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय। तो देखिए, याद कैसे रखेंगे इसे, तो याद करने के देखिए मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे मैंने रेड कलर से यहाँ पर रेड से लिख दिए हैं। आपको इसी को ध्यान में रखना है और इसी से आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे जितने भी रेड वर्ड्स हैं। तो देखिए क्या है, कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढते हैं, तो कीवर्ड्स हम वर्ड्स में ही ढूंढते हैं। जो वर्ड हमें गिवन है उसी में सेम कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड ढूंढते हैं और निमोनिक तरीके से हम उसे याद कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड है वोकेब। इसमें क्या है, एक वर्ड है वोकेब, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए वोकेब से, तो वोकेब क्या है, SSC एग्जाम का एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। वोकेब का जो पोर्शन है वो SSC एग्जाम का क्या है, पेपर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और SSC इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो SSC इसे चेंज नहीं कर सकता। तो ई रिवोकेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता SSC। तो ई रिवोकेबल का मतलब अपरिवर्तनीय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए SSC क्या है, SSC वो के पूछे गए, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के माध्यम से पूछे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के माध्यम से पूछे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से पूछे, फ्रेजल वर्ब के माध्यम से पूछे, कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से पूछे, वो पूछेगा ही, वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता SSC। तो क्या हो जाएगा, ई रिवोकेबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो अनअल्टरेबल, इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज होना। अल्टर एक आगे वर्ड आएगा, वो सिनोनिम्स ही है तो उसका मतलब आगे चेंज हो जाएगा। तो देखिए अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलना। कैसे याद रखेंगे, देखिए गांव की भाषा में हम क्या बोलते हैं किसी को भी, तुम अल्टर हो क्या, जब वो कोई काम करके नेगलेक्ट कर जाता है, यानी बदल जाता है, वो काम करके कुछ बोलता नहीं है, बोलता नहीं मैंने नहीं किया है, तो हम उसे बोलते हैं तुम अल्टर हो का, है ना। तो अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज होना। लेकिन आप देखिए निगेटिव वर्ड अन लग गया है, अन आप सबको पता है, जिसमें अन लग गया तो वो क्या है, निगेटिव हो जाएगा। तो अनअल्टरेबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय। तो ई रिवोकेबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय, यानी ऑप्शन नंबर सी अनअल्टरेबल। अडॉर्न, अडॉर्न का मतलब होता है देखिए सुंदर बनाना, किसी भी चीज को सजाना, सुंदर बनाना। तो देखिए अडॉर्न जो है, इसमें मैंने वर्ड कीवर्ड ढूंढा है अ प्लस डोर। आपको डॉन से ऐसा लग रहा है, अडॉर्न क्या बन सकता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है ये सुन करके, अडॉर्न अडॉर्न, तो अडोर अडोर। तो देखिए अडोर का मतलब क्या होता है, एक दरवाजा। तो हर किसी का जो घर का दरवाजा होता है वो क्या करते हैं, अपने दरवाजे को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसमें क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर डी। तो अडॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर बनाना, किसी भी चीज को सुंदर बनाना या सुंदर सजाना, तो ब्यूटीफाई। तो अडॉर्न का मतलब आपको याद हो जाएगा ब्यूटीफाई। देखिए अगला वर्ड है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है विश्राम, थोड़ी देर के लिए आराम करना, विश्राम करना। तो देखिए रिपोज में आपको री और पोज दिख रहा होगा, री और पोज। तो देखिए रिपोज मतलब क्या होता है, दोबारा पोज देना। री का मतलब क्या होता है, दोबारा, है ना, री का मतलब दोबारा, और पोज का मतलब आपको पता है, लोग सेल्फी लेने के लिए पोज देते हैं, है ना, या फिर कोई सूट के लिए पोज देते हैं। तो देखिए उन पोज देते देते वो क्या हो जाते हैं, जो एक्टर लोग होते हैं वो पोज देते देते थक जाते हैं, है ना। तो उन्हें किस चीज़ की जरूरत होती है, थोड़ी विश्राम की जरूरत होती है, थोड़ी देर आराम की जरूरत होती है। तो रिपोज का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट। रिपोज का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट, थोड़ी देर का रेस्ट। तो आपको ऐसे याद रखना है, थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए उन्हें, इसे लोग क्या करेंगे, अब विश्राम करेंगे। तो रिपोज का मतलब रेस्ट। आगे देखिए कमोशन, कमोशन का मतलब क्या होता है, देखिए कमोशन का मतलब होता है हल्ला करना, डिस्टर्ब करना। तो ये कैसे याद करेंगे इसे, कमोशन में आपको वर्ड बनाना है, ऐसे कमोशन से आपको निमोनिक बनाना है। तो देखिए कमोशन सुनते ही माइंड में क्या आ रहा है, कमोशन सुनते ही आ रहा है, देखिए कम और मोशन, क्या आ रहा है, कम और मोशन, है ना, कम मोशन, कमोशन कम मोशन। तो देखिए कोई भी अगर रूम में मोशन में आए, दौड़ते हुए आए, इमेजिन कीजिए कोई धीरे धीरे आ रहा है, कोई दबे पाँव आ रहा है, तो कोई आवाज़ नहीं होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी वहाँ पे,
लेकिन कोई अगर दौड़ा हुआ है, पैरों से आवाज कर तो धप 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 करता है, तो आप पढ़ रहे हो तो आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो कमोशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। कमोशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। तो आपको याद रखना है कमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। अगला वर्ड देखिए नेचर। अगला वर्ड है नचर। नचर का मतलब था बढ़ना, ठीक है, ग्रो करना। तो देखिए इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे रख याद रखने का तरीका देखिए, आपको याद रखना है या तो आपको नेचर, देखिए दो दो मैंने इसे बताया है, या तो आपको नेचर याद रखना है, नेचर NATUR, या तो आपको नेचर याद रखना है या फिर आपको याद रखना है नर्सरी। देखिए आपको या तो नेचर याद रखना है या तो नर्सरी याद रखना है। नेचर से कैसे याद रखते, देखिए पौधों का क्या है, पेड़ पौधों का नेचर है, क्या नेचर है, बढ़ना। पेड़ पौधों का या फिर ह्यूमन बींग का, लिविंग बींग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका क्या है, लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग जितने भी हैं सबका क्या है, बढ़ना एक नेचर है, ग्रो करना क्या है, एक नेचर है, ठीक है। या फिर आप नर्चर को याद रखते हैं, नर्सरी, नर्सरी यानी जहाँ पे पौधों को रखा जाता है, प्लांट्स को रखा जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो नेचर का मतलब हो जाएगा ग्रो करना। तो इस तरह से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो देखिए अगला वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना, रिफ्यूज करना। तो देखिए याद कैसे रखेंगे हम इसे, देखिए डेनी, डेनी क्या, डेनी एक फिल्म एक्ट्रेस थे, पुराने 90s के क्या थे वो, फिल्म एक्ट्रेस थे, आप उन्हें पुरानी मूवीज में देख सकते हो, और डेनी तो वो क्या करते थे, रोल करते थे, विलन का रोल करते थे। तो क्या करते थे वो, अगर उन्हें कोई अच्छी मूवी नहीं मिलती तो वो क्या करते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे मूवी करने से, कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये मूवी मुझे पसंद नहीं है। तो आप इस तरह से याद रख सकते थे डिनाई। डिनाई को आप क्या, डैनी पढ़ोगे, डैनी, डैनी माइंड में आना चाहिए आपके, डैनी कौन थे, विलेन थे, ठीक है, बहुत नामी विलेन है, आप देख लेना गूगल पर सर्च कर लेना, बहुत सारी मूवीज उनकी मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से याद रखते हो डिनाई का मतलब क्या, रिफ्यूज़। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्यूज़। अगला वर्ड देखिए अब्यूज़। अब्यूज़ तो हालांकि बहुत इजी वर्ड है, सबको पता है अब्यूज़ का मतलब गाली देना होता है, लेकिन ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, वर्ड याद करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अब वो यूज करने लगा है। क्या यूज करने लगा है, अब वो गाली देना भी यूज करने लगा है, अब वो गाली भी यूज करने लगा है अपने शब्दों में, है ना, अपने भाषा में वो गाली भी यूज करने लगा है। तो अब यूज यानी अब्यूज, अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना, ठीक है, अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना। तो आप देखिए अस्कॉर्न, इसका क्या है सिनोनिम्स, इसका अस्कॉर्न है, आपको याद कैसे रखना है अस्कॉर्न। देखिए याद रखना है क्या, कि जब भी क्या होता है, जब हम मैच देख रहे होते हैं और जब हमारी टीम अच्छा स्कोर नहीं खड़ा कर पाती है और वो मैच हार जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने टीम को गाली देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि नहीं स्कोर अच्छा नहीं है, स्कोर अच्छा बनाना चाहिए था, अगर और अच्छा स्कोर होता तो क्या हो जाता, मैच जीत सकते थे हम स्कोर। तो देखिए अब्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा फिर, स्कॉर्न, आपको कैसे याद रखना है, अब्यूज़ का मतलब स्कॉर्न, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो अब्यूज़ स्कॉर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा देखिए डुसाइल। डुसाइल का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। डुसाइल का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। तो देखिए कैसे याद सकते हैं इसे, तो देखिए डू साइलेंट, डू साइलेंट, आपको डू साइल से, देखिए डू का मतलब तो डू आपको याद रखना, लेकिन ये साइल जो है ना आपको साइलेंट बनाना है, SILENT वाला। तो क्या क्या निकल के आएगा ऐसे बनाने से, देखिए क्या निकल के आएगा, साइलेंट, आपने किसी को काम करने को कहा और उसने वो शांति से वो काम कर दिया, डू मीन्स करना, उसने वो शांति से काम कर दिया, मतलब क्या है, वो आज्ञाकारी है, क्या है, आज्ञाकारी है। तो इसका सिनोनिम क्या है, सबमिसिव। तो याद कैसे रख सकते हैं, देखिए आपने उसे हर काम करने के लिए कहा तो वो क्या कर रहा, सब काम में सही, वो सब काम सही से कर रहा है, सबमिसिव, सबमिसिव, सबमिसिव। तो इसे रिलेट करेंगे आप, सबमिसिव मतलब सब में सही, वो सब काम में सही है और आज्ञाकारी भी है ना, डू साइलेंट, डुसाइल, डुसाइल, डू साइलेंट, तो सब काम क्या कर रहा है, शांति से कर रहा है, यानी आज्ञाकारी है। तो बस सबमिसिव आपको याद हो जाएगा, या डुसाइल का मतलब सबमिसिव। कंसंट्रेट, तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए देखिए कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, सोचना, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, सोचना,
देखिए कंसीडर से ये बना है, कंसिडरेट, तो आपको याद कैसे रखना है इसका बता देता हूँ। पहले क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉटफुल, सोचनीय या सोचना। तो देखिए इसमें आपको वर्ड बनाना है, कौन से आपको बनाना है, कोना, कौन से आपको क्या बनाना है, कोना, और साइड, साइड तो लिखा हुआ है ही, तो देखिए, और रेट से आपको बनाना है रहते, तो कोना में साइड में कौन रहता है, ठीक है, कोना में, घर के कोने में साइड में कौन रहेगा, तो जो सोचेगा कुछ वही जाके रहेगा ना, जो कोने में, यानी सब मिलजुल कर बैठे हुए हैं, कोई अकेला बंदा कहाँ है, घर के कोने में जाके बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो सोचने के लिए जाएगा ना, क्योंकि सबके पास तो वो सोच नहीं सकता, तो कंसाइडरेट है ना, कंसिडरेट का मतलब क्या हो जाएगा, सोचना, थाउटफुल। तो आप इस तरह से लेट करके याद कर सकते हो। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारा इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए इरेजोल्यूट का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति कुछ सोच नहीं पा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे अनडिसाइडेड। इसका राइट आंसर क्या है, पहले बताता हूँ आंसर, अनडिसाइडेड, ठीक है, इसकी हिंदी मुझे सही से नहीं आ रही है क्या है, तो इरेजोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, सोच ना पाना। तो याद कैसे रखेंगे, देखें आई, आई का मतलब मैं, री का मतलब दोबारा, और सैल्यूट, देखिए आई रिजोल्यूट यानी कि आई री सैल्यूट, तो मैं कोई, देखिए कोई क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई किसी को सैल्यूट करना चाहता है, तो वो सोच रहा है कि मैं इन्हें दोबारा सैल्यूट करूं या ना, ठीक है, कोई आपके पास आ गया, आपने उन्हें सैल्यूट कर दिया, और वो बंदा फिर से सोच रहा है कि मैंने तो सैल्यूट कर ही दिया, अब क्या मैं दोबारा इन्हें सैल्यूट करूं, तो वो सोच रहा है ना, क्या सोच रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मैं सैल्यूट करूं कि ना करूं, मैं दोबारा सैल्यूट करूं या ना करूं, तो इरेजोल्यूट है ना, इरेजोल्यूट को आपको याद रखना है। देखिए ई आई री सैल्यूट, आई री सैल्यूट आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, क्या आप जैसे ही एग्जाम में देखें कि इरेजोल्यूट वर्ड आया, तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा आई री और सॉल्यूट को आप पढ़ोगे सैल्यूट, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, मैं क्या दुविधा में पड़ गया कि मैं दोबारा सैल्यूट करूं या ना करूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनडिसाइडेड। अगला वर्ड देखिए फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है, तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए फ्रूगल मैं बताता हूँ, फ्री, फ्रू से आपको याद रखना है फ्री, गर्ल से आपको याद रखना है गर्ल, ऐसे भी गर्ल को गर्ल ही पढ़ा जाता है, तो फ्री गर्ल, फ्री गर्ल, फ्रूगल, फ्री गर्ल, तो क्या है, वो किसी भी लड़की को फ्री में नहीं घुमाता, वो किसी भी गर्ल को फ्री में नहीं घुमाता, क्यों नहीं घुमाता, क्योंकि वो कंजूस है, ठीक है, वो किसी भी लड़की को फ्री में नहीं घुमाता, क्यों नहीं घुमाता, क्योंकि वो कंजूस है, ठीक है, तो फ्रूगल का मतलब हो जाएगा कंजूस यानी माइजरली, तो याद रखिएगा फ्रूगल का मतलब माइजरली। अगला है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, तो याद कैसे रखेंगे, देखें मोटिव से आपको याद रखना मोटी, देखिए मोटी इसमें क्या वर्ड है, मोटी, तो जो पतली लड़कियां होती हैं उनका मोटिव क्या होता है, उनका इरादा क्या होता है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इंटेंशन। तो मोटी, तो पतली लड़कियों का क्या होता है, जो ज़्यादा थिन होती हैं उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटी होना, जो थोड़ी पतली लड़कियां होती हैं उनका जो इंटेंशन होता है, उनका जो इरादा होता है वो क्या होता है, मोटी होना, तो मोटिव का मतलब होता है इरादा, इंटेंशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंशन। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिए हमारा है पिटी। पिटी का मतलब होता है दयनीय, दया, तो देखिए याद कैसे रखेंगे, तो पिटी, तो देखिए पिटी वर्ड से ऐसा लग रहा है पिटी, क्या वो पिट गई, तो क्या है, कोई कोई लड़की है वो रिजल्ट लेके अपने पापा के पास गई और बोली पापा मैं तो फेल हो गई, तो पापा ने उन्हें पीट दिया है ना, वो तो पापा से पिट गई, और जैसे ही पापा से पिट गई तो मैंने उसे पिटते हुए देख लिया, तो मुझे उस पर क्या आ गई, दया आ गई, और माँ को, चाहे उसकी माँ को उस पर क्या आ गई, दया आ गई, और उसने पापा से छुड़ा दिया, नहीं 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 पिटी, अगली बार ये अच्छा मार्क्स लाएगी, ठीक है, तो पिटी, पिटी का मतलब क्या हो जाएगा, दया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काइंडनेस, ठीक है, तो याद रखना है पिटी का मतलब काइंडनेस, दयालु। अगला वर्ड देखिए क्वैस। क्वैस का मतलब होता है रिजेक्ट करना, याद कैसे रखेंगे, देखिए क्वेश्चन को मैंने लिया कैश से, देखिए आपको ये दिख रहा होगा कैश, तो
आखिर कैश से कैसे याद रखेंगे? देखिए, कैश से याद रखेंगे कि किसी की जॉब लग रही है, ठीक है, किसी की जॉब लग रही है, कोई फॉर्म भरने गया है किसी भी चीज़ का, तो उसने वो फॉर्म के लिए अप्लाई किया, पर क्या है वहाँ पे जो हेड ऑफिसर है उन्होंने क्या उससे मांगी, रिश्वत मांगी, कैश मांगे, ठीक है, कैश यानी कि पैसे मांगे, तो उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो उस महाशय ने क्या किया, उनका फॉर्म जो है लेने से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो कैश, कैश का मतलब, क्वैश का मतलब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैश याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला वर्ड देखिए हमारा रिस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है बिल्कुल मना, ठीक है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपने सुना होगा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मना है वहाँ पे जाना, तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए रिस्ट्रिक्ट में, रेस्ट्रिक्ट में आपको एक वर्ड मिलेगा स्ट्रिक्ट, तो क्या है, उसके माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसके माता पिता क्या हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और उसे कहीं भी जाने से क्या करते हैं, मना करते हैं, उसे बाहर जाने से मना करते हैं, उसे मूवी देखने से मना करते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रिक्ट, है ना। तो स्ट्रिक्ट का मतलब कैसे कैसे रिलेट करेंगे हम, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है उसे घर से बाहर निकलना, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या, प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिटेड का मतलब मना करना, मनाही, कहीं पे जाने के लिए मना। अगला वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब होता है क्या, पूर्वानुमान लगा लेना, पहले से अनुमान लगा लेना, ठीक है, तो कैसे देखेंगे इसे, कैसे याद करेंगे, देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है, देखिए एंटिसिपेट, एंटिसिपेट को मैंने रेट किया है, पहले भी याद करवा चुका हूँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड, तो देखिए मोस्टली जितने भी वर्ड है वो मैं सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद करवा चुका हूँ आपको, आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है वो तो ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा वो वीडियो देखने से, आपको सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ देख लें, और ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगा लेना, ठीक है, तो देखिए क्या है, एंटीसिपेट, आंटी ने अपना पेट देखकर क्या लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो एंटीसिपेट का हो जाएगा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है एंटीसिपेट, तो बस पूर्वानुमान लगा लेना, ऐसे आप याद रख सकते हो। देखिए अगला है ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का मतलब देखिए, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब बहुत बड़ा, ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने के लिए मैंने लिया है ट्री मैन दस, ये देखिए मैंने क्रॉस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यहाँ पे, देखिए ट्री मैन दस, ट्री मैन और दस, तो देखिए याद कैसे रखेंगे इसे, तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि वो जो 10 आदमी है ना, वो बिल्कुल 10 आदमी क्या है, वो जो एक आदमी, एक आदमी आप याद रखें, वो जो एक आदमी है 10 ट्री के इतना लंबा है, 10 ट्री के बराबर लंबा है, या फिर ऐसे भी आ सकते थे पहले के जो मनुष्य होते थे ना वो बहुत लंबे होते थे, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ याद रखने के लिए पहले के आदमी 10 10 ट्री के इतने लंबे होते थे, यानी एक्सेसिव होते थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, तो ट्रिमेंडस का मतलब हो जाएगा एक्सेसिव, ठीक है, ट्रिमेंडस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव, बहुत अधिक मात्रा में, आप ऐसे याद रखते, बहुत अधिक लंबे होते थे, बहुत अधिक मात्रा में, तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। अगला है मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधानी से, बिल्कुल सही तरीके से, तो देखिए याद कैसे रखना है इसे, देखिए याद रखने का ऐसा तरीका है, मिट्टी और कलश, आपको मेटिकुलस लिखा हुआ है, आपको इसे याद रखना है मिट्टी और कलश, ठीक है, तो देखिए मिट्टी और कलश, तो ऐसा क्या माइंड में आ रहा है मिट्टी और कलश से, तो देखिए आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि मिट्टी का कलश बनाने के लिए, मिट्टी का कलश बनाने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है, अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो मिट्टी का कलश क्या है, गलत बन जाएगा, खराब बन जाएगा, ठीक है, तो मिट्टी का कलश, या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं, जो मिट्टी के कलश होते हैं उसे बहुत अति सावधानी से जमीन पर रखना पड़ता है, वरना वो क्या गिरकर टूट सकती है, टूट जाती है, तो मिट्टी कलश, ठीक है, तो मेटिकुलस का मतलब होता है अति सावधानी से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेन स्टैकिंग, ठीक है, पेन स्टैकिंग, अब इसे कैसे याद रखना है, देखिए पेन से आपको याद रखना है पेंट,
देखिए अगर मैं एस को हटा दूं यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, लगेगा पेंट लिखा हुआ है। तो देखिए क्या मिट्टी के कलश को जो कारीगर होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के कलश को मिट्टी बनाने के बाद, कलश बनाने के बाद उसे पेंट करते हैं, क्या करते हैं पेंट करते हैं। तो मिट्टी का कलश है ना, तो मेटिकुलस का मतलब अति सावधानी से, और पेन स्टैकिंग, ठीक है, पेन स्टैकिंग का मतलब क्या हो जाएगा मेटिकुलस। अगला वर्ड देखिए अबंडंट, अबंडंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो इसका राइट आंसर है प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल। तो देखिए ऐसे याद कैसे रखना है, अ से आपको एक याद रखना है, बंडल से याद रखना है आपको बंडल। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक बंडल लकड़ी क्या है, एक बंडल लकड़ी तो बहुत अधिक मात्रा में है ना। तो एक बंडल क्या है, लकड़ी है, तो इसका मतलब बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी है। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेंटीफुल। तो आप ऐसे याद सकते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। अगला वर्ड देखिए अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब होता है, देखिए एक्वेंट का मतलब क्या होता है, जाना पहचाना होना, एक्वेंट का मतलब होता है जाना पहचाना होना। तो याद देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस। याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने का तरीका क्या है, एक एंट, इसको याद रखने का तरीका क्या है, एक एंट। तो एक एंट से हम कैसे याद सकते हैं, तो आप ऐसे याद कीजिए कि एक एंट जो है चीनी को कहीं से भी वो पहचान लेती है, चीटी जो है, एंट जो है बिल्कुल पहचान लेती है, इंट्रोड्यूस है चीनी से। आप नमक के चीनी के डिब्बे पे आप नमक भी लिख दोगे, है ना, ऐसा कोई चुटकुला आया था कि चीनी के डिब्बे पे क्या लिख दे, नमक लिख देने से क्या हो जाएगी, चीटी नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, कहीं पे भी आप चीनी रख दो, हमें भी पता है हम चीनी कहीं पे भी रख दे उसमें चीटियाँ लग ही जाती हैं। तो अक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, जाना पहचाना, ठीक है। तो एक एंड का मतलब क्या हो जाएगा, जाना पहचाना। तो अक्वेंट, अक्वेंट का मतलब इंट्रोड्यूस। अगला वर्ड देखिए, अगला और लास्ट वर्ड है हमारा चेंज, देखिए अगला और लास्ट वर्ड है हमारा चेंज। तो ये जो चेंज वर्ड है, देखिए हमारा लास्ट वर्ड है चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना। तो देखिए इसका राइट आंसर है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना, अल्टर का मतलब ये होता है बदलना। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए चेंज का मतलब, चेंज तो बहुत आसान वर्ड है आपको सबको याद होगा। तो अल्टर क्या होता है, कभी कभी मुंह से हमारे निकल जाता है कोई जब गलत काम करता है तो हम बोल देते हैं अल्टर हो का, अल्टर हो क्या। तो देखिए चेंज मतलब अल्टर हो क्या, मतलब वो काम करके बोलता है नहीं मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, तो हमारे मुंह से निकल जाता है अल्टर हो क्या, यानी क्या बदलते रहता है वो, बदल रहा है काम किया फिर भी अपने बात से बदल रहा है, नहीं मैंने काम नहीं किया। तो चेंज का मतलब अल्टर, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा चेंज का मतलब अल्टर। तो देखिए इस तरह से 21 वर्ड याद हो गए आपको, आप एक बार वीडियो को और देख लें, बिल्कुल कंफर्म आपको 21 के 21 वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे, और कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में अगर ये आ गए तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इस वीडियोज़ को और आगे बढ़ा सकूं और बना सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।